नमस्कार, मी राम धनगर, आपण पाहत आहात वत्स गुलमल आहे। शुक्रवारी दुपारी प्राप्त अहवालानुसार कारंजा लाड येथे कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेले 3 रुग्ण आढळून आले आहेत, त्यामुळे कारंजा शहरात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे। दरम्यान जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोना बाधितांच्या रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ होत असून शुक्रवारपर्यंत जिल्ह्यात 68 कोरोनाबाधित रुग्ण होते, त्यात आता आणखी 3 रुग्णांची भर पडल्याने जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांच्या आकड्याने आता 70 पार केली असून बाधितांचा आकडा हा 71 इतका झाला आहे। दरम्यान कारंजा शहरातील माळीपुरा येथील 10 व 11 वर्षीय मुलांना कोरोनाची बाधा झाली असून ही मुले अलीकडे कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात आली होती, तर कारंजातीलच भीमनगर भागातील एका 23 वर्षीय युवकाचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे। सदर युवक अकोला येथे मृत पावलेल्या कोरोनाबाधित महिलेच्या अलीकडे संपर्कात आला होता। दरम्यान कोरोनाची बाधा झालेले 71 रुग्ण असून त्यापैकी 13 जणांनी कोरोनावर मात केली असून 2 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे, तर जिल्ह्यात 56 सक्रिय कोरोनाबाधित रुग्ण सध्या उपचार घेत आहेत। जिल्ह्याबाहेर कोरोनाची लागण झालेले 2 रुग्ण देखील जिल्ह्यात सध्या उपचार घेत असून वृत्त हाती येईपर्यंत 31 स्त्रावांच्या नमुन्यांचे अहवाल सध्या प्रलंबित आहेत। दरम्यान कोरोनाची बाधा टाळण्यासाठी मास्कचा नियमित वापर, शारीरिक अंतर ठेवून वावर व स्वच्छता विषयक काळजी घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे। पाहत रहा वत्स गुलमल आहे। नमस्कार मित्रांनो, आपल्या वाशिम जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे। या सर्व रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचा शोध घेऊन आपण त्यांची चाचणी करतोय। हे रुग्ण राहत असणाऱ्या ठिकाणाला कंटेनमेंट झोन जाहीर करून त्या ठिकाणी आपण मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षणाचं काम हाती घेतलं आहे। मात्र कोरोनाला थांबवण्यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असलं तरी वाशिमकरांच्या सहकार्याशिवाय त्याला यश येणार नाही। जे लोक बाहेरच्या जिल्ह्यातनं आपल्या जिल्ह्यामध्ये प्रवेश करत आहेत त्यांना मी असं आवाहन करतो की त्यांनी बाहेरून आल्यानंतर स्वतःला होम क्वारंटाईन करावं किंवा घरगुती विलगीकरणात ठेवावं। त्याच पद्धतीने प्रत्येक वाशिममधल्या जिल्ह्यातल्या नागरिकाला सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं लागेल। आपल्यासमोर असणारा प्रत्येक व्यक्ती हा पॉझिटिव्ह आहे असं समजून त्याच्या संपर्कात न येण्याची आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल। आवश्यक नसेल तर घराबाहेर पडू नका। समारंभासारखे एकत्र येण्याचे प्रकार पूर्णपणे बंद करा। चेहऱ्यावर मास्क किंवा रुमाल लावल्याशिवाय बाहेर पडू नका। स्वतःच्या चेहऱ्याला हात लावणं टाळा आणि वारंवार आपले हात साबणाने किंवा सॅनिटायझरने स्वच्छ धुवा। मला खात्री आहे आपल्यापैकी प्रत्येकाने ही जर काळजी घेतली तर निश्चितपणे आपण कोरोनावर मात करू। धन्यवाद। यदि हमारे बेटा या बेटी को एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते तो हम ट्यूशन लगाते हैं, फिर भी मार्क्स बढ़ते ही नहीं और इसी में वह अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बेटा बेटी के इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट, इंग्लिश का जो बेसिक ज्ञान होता है, ज्ञान होता है उनका, उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो उन्हें अच्छी तरह से याद नहीं होती है। और इसी के प्रॉब्लम के चलते हुए ज्ञानेश्वरी करियर एकेडमी ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास, कॉन्फिडेंस क्लास शुरू किया है ताकि आपके बच्चे इंग्लिश में बेस्ट हो जाए। आपके बेटा या बेटी के इंग्लिश का जो कॉन्फिडेंस है वो जगाने का काम ज्ञानेश्वरी करियर एकेडमी करेगी। इस कोर्स की विशेषता है, इसमें कुछ कोर्स, ये जो स्पोकन इंग्लिश क्लास है ये पर्टिकुलर कोर्सेस में उसे डिवाइड किया गया है। इसमें पहला कोर्स है जो बेसिक रीडिंग्स कोर्स। मैं इसमें चैलेंज देना चाहूंगा, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे ABCD भी ना आती हो तो उसे मैं सिर्फ केवल 7 दिनों में वो इंग्लिश पढ़ना सीख पाएगा। दूसरा पार्ट रहेगा वो है अच्छे रीडिंग का, वोकैबुलरी का। तो तीसरा पार्ट है वो रहेगा कंप्रेंशन का। कंप्रेंशन मतलब अगर कोई पैराग्राफ देता है इंग्लिश में वो क्या करेगा, उसे अपने नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, या नेटिव लैंग्वेज में होता है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। इसमें ग्रामर का उसको अच्छे से नॉलेज आएगा। तीसरा पार्ट इसमें वो है राइटिंग स्किल का, ताकि आपका जो बच्चा है, बेटा या बेटी है, वो ग्रामेटिकली करेक्ट लिख सके, उसमें उसकी कोई एक भी कोई जो रहेगा उसमें मिस्टेक ना निकाल पाए। इवन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग का। तो स्पीकिंग में देखा जाए तो हमारे इंडिया में बोलने जाने वाली जो इंग्लिश है वो अलग तरह की होती है और दूसरी जो इंग्लिश होती है वो अलग तरह की होती है। तो हम फॉरेन एक्सेंट में इंग्लिश कैसा बोला जाता है इसका भी आप एक क्लास के थ्रू आप पूरा का पूरा जानकारी इसमें ले पाएंगे। आप एक फ्लुएंट वे से
आप इंग्लिश स्पीकर कहलाओगे और सभी तरफ आपकी वाह वाह हो जाएगी इस इंग्लिश के चलते हुए। सो स्पीकिंग के बारे में मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। एक मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ। दो तरह के इंग्लिश होते हैं। एक पहला इंग्लिश होता है वो हम जनरल इंडियन इंग्लिश में बोलते हैं, जैसा मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन करता हूँ हमारे जनरल इंग्लिश में। माय नेम इज ज्ञानेश्वर वाघ, आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, आई कंप्लीटेड माय पीएचडी, आई कंप्लीटेड माय सेल्टा, आई एम अ टीचर इन सच अ वे। दूसरा पार्ट है इंट्रोडक्शन का, आई एम ज्ञानेश्वर वाघ, आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे अंडर पुणे यूनिवर्सिटी, ऑल्सो आई कंप्लीटेड माय पीएचडी बीएड सेल्टा एंड आईएलट्स, इवन आई एम अ टीचर, आई एम इंग्लिश टीचर। ये दोनों अगर डिस्कशन देखे जाए उसमें से कौन सी इंग्लिश आपको पसंद है? यस, नंबर दो वाली। और इसी तरह से इंग्लिश आपको बात करने के लिए आपको ज्वाइन करना है ए कोर्स। सो इस तरह से ये जो कोर्स है हमारे यहाँ पे ऑनलाइन जो कोर्स है, इसका सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके इसका प्लीज क्या कीजिएगा, इसका बेनिफिट लीजिएगा ताकि आपका करियर जो रहे वो उड़ान भर सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।